वेलकम फ्रेंड्स, स्टडी सर्कल 247 के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा यह वीडियो मिशन चंद्रयान 2 पर आधारित है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मिशन चंद्रयान 2 के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां बताऊंगी, जैसे कि यह कहां से लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया, अंतरिक्ष में कब पहुँचेगा, इसका उद्देश्य क्या है, कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए गए हैं और इनकी कार्यप्रणाली कैसी है। इस तरह के कई तथ्य हैं जो मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। तो आप अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। यह वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज का हमारा यह वीडियो शुरू करते हैं। मिशन चंद्रयान 2 खोज की तरफ बढ़ते कदम। मिशन चंद्रयान 2 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि इस प्रकार दिए गए हैं। पहला है, 18 सितंबर 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चंद्रयान 2 मिशन को मंजूरी दी। चंद्रयान 2 श्रीहरिकोटा से 15 जुलाई 2019 को 2:51 पर छोड़ा गया। चंद्रयान 2 का चंद्रमा पर उतरना, 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 चंद्रमा पर उतरेगा। पहला अंतरिक्ष मिशन जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सफलतापूर्वक लैंडिंग का संचालन करेगा। पहला भारतीय अभियान जो स्वदेशी तकनीक से चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है यह लाइन, पहला भारतीय अभियान है जो स्वदेशी तकनीक से चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। पहला भारतीय अभियान जो देश में विकसित प्रौद्योगिकी के साथ चांद की सतह के बारे में जानकारियां जुटाएगा। अगला तथ्य है, भारत चंद्रमा की सतह पर रॉकेट उतारने वाला चौथा देश है। चंद्रयान 2 का मकसद क्या है? इसका मकसद चंद्रमा के प्रति जानकारी जुटाना और ऐसी खोज करना जिनमें भारत के साथ ही पूरी मानवता को फायदा हो। इन परीक्षणों और अनुभवों के आधार पर भावी चंद्र अभियानों की तैयारी में जरूरी बदलाव लाना है, ताकि आने वाले दौर के चंद्र अभियानों में अपनाई जाने वाली नई टेक्नोलॉजी तय करने में मदद मिल सके। चांद पर क्यों जा रहे हैं? चंद्रमा पृथ्वी का नज़दीकी उपग्रह है, जिसके माध्यम से अंतरिक्ष में खोज के प्रयास किए जा सकते हैं और इससे संबंध आंकड़े भी एकत्र किए जा सकते हैं। यह गहन अंतरिक्ष मिशन के लिए ज़रूरी टेक्नोलॉजी आजमाने का परीक्षण केंद्र भी होगा। चंद्रयान 2 खोज के एक नए युग को बढ़ावा देने, अंतरिक्ष के प्रति हमारी समझ बढ़ाने, प्रौद्योगिकी की प्रगति को बढ़ावा देने, वैश्विक तालमेल को आगे बढ़ाने और खोजकर्ताओं तथा वैज्ञानिकों की भावी पीढ़ी को प्रेरित करने में भी सहायक होगा। चंद्रयान 2 के वैज्ञानिक उद्देश्य क्या हैं? वैज्ञानिकों का अपना क्या उद्देश्य है, उसके बारे में हम देखेंगे। चंद्रमा हमें पृथ्वी के क्रमिक विकास और सौरमंडल के पर्यावरण की अविश्वसनीय जानकारियां दे सकता है। वैसे तो कुछ परिपक्व मॉडल मौजूद हैं, लेकिन चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। चंद्रमा की सतह को व्यापक बनाकर इसकी संरचना में बदलाव का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में भी कई महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाई जा सकेंगी। वहां पानी होने के सबूत तो चंद्रयान 1 ने खोज लिए थे और यह पता लगाया जा सकेगा कि चांद की सतह और उपसतह के कितने भाग में पानी उपस्थित है। अगला है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचना आखिर क्यों जरूरी है? चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव विशेष रूप से दिलचस्प है, क्योंकि इसकी सतह का बड़ा हिस्सा उत्तरी ध्रुव की तुलना में अधिक छाया में रहता है।
इसके चारों ओर स्थायी रूप से छाया में रहने वाले इन क्षेत्रों में पानी होने की संभावना है। चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के ठंडे गड्ढों में प्रारंभिक सौर प्रणाली के लुप्त जीवाश्म रिकॉर्ड मौजूद हैं। मिशन चंद्रयान 2 के लॉन्चर और स्पेसक्राफ्ट। दोस्तों, आप सभी को यहाँ पे लॉन्चर का इमेज दिख रहा होगा। यह है लॉन्चर चंद्रयान 2 के लिए प्रयुक्त हुआ GSLV-MK3 भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली लॉन्चर है और इसे पूरी तरह से देश में ही निर्मित किया गया है। यह इमेज है ऑर्बिटर की। ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह का निरीक्षण करेगा और पृथ्वी तथा चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम के बीच संकेत रिले करेगा। यह है ऑर्बिटर का इमेज। अगला है लैंडर। लैंडर को चंद्रमा की सतह पर भारत की पहली सफल लैंडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका नाम विक्रम रखा गया है। नाम आपको याद रखना होगा, लैंडर है जिसका नाम विक्रम रखा गया है। अगला है रोवर। रोवर AI संचालित 6 पहिया वाला वाहन है। इसका नाम प्रज्ञान रखा गया है, जो संस्कृत के ज्ञान शब्द से लिया गया है। दोस्तों, आप सभी इन नाम को याद रखिए, क्योंकि ये आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। अगला, मिशन चंद्रयान 2 के प्रश्नोत्तर शैली में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, चंद्रयान 2 क्या है? चंद्रयान 2 असल में चंद्रयान 1 के मिशन की अगली कड़ी है। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर जिसका नाम विक्रम रखा गया है और रोवर जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया है शामिल हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में क्या भिन्नता है? चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर अपना विक्रम मॉड्यूल उतारने की कोशिश करेगा और 6 पहियों वाले रोवर प्रज्ञान को चांद के पर फिट कर देगा और इसके जरिए कई वैज्ञानिक परीक्षण किए जाएंगे, जबकि चंद्रयान 1 यह कार्य नहीं कर पाया था। चंद्रयान 1 का लिफ्ट ऑफ भार 1380 किलोग्राम था, जबकि चंद्रयान 2 का भार 3850 किलोग्राम है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें चंद्रयान 2 का उद्देश्य क्या है? चंद्रयान 2 का उद्देश्य चंद्रमा पर उतरकर उसकी सतह के अध्ययन के लिए रोवर लिफ्ट करना है, ताकि चंद्रयान 1 के वैज्ञानिक कार्यों का दायरा और बढ़ाया जा सके। इसमें अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 के कितने उपकरण ले जाया जा रहा है? ऑर्बिटर में चंद्रमा की सतह का मानचित्र बनाने और वहाँ के वायुमंडल बाहरी वातावरण के अध्ययन के लिए 8 वैज्ञानिक पेलोड रखे गए हैं। लैंडर में चंद्रमा की सतह और उपसतह के परीक्षणों के लिए 3 वैज्ञानिक पेलोड लगाए गए हैं। रोवर में 2 पेलोड हैं, जिनमें हमें चंद्रमा की सतह के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल सकेगी। नासा में भी एक अप्रत्यक्ष परीक्षण चंद्रयान 2 से किया जाएगा। इसमें अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 के उपकरणों का कार्यकाल क्या होगा? ऑर्बिटर का मिशन कार्यकाल 1 वर्ष होगा, जबकि लैंडर जिसका नाम विक्रम रखा गया है और रोवर जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया है का कार्यकाल चंद्रमा के 1 दिन यानी पृथ्वी के 14 दिनों का होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 किस प्रक्षेपण यान की सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा गया? चंद्रयान 2 को प्रक्षेपण यान GSLV-MK3-M1 से अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। इसमें अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 को कब और कहां से छोड़ा गया? चंद्रयान 2 श्रीहरिकोटा से 15 जुलाई 2019 को छोड़ा गया। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपण के बाद विक्रम चंद्रमा की सतह पर कब उतरा?
कब उतरा? चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर 7 सितंबर 2019 को उतरा। प्रश्नोत्तर शैली में अगला प्रश्न है, रोवर चंद्रमा पर उतरने के बाद कितनी दूरी तक चल सकता है? रोवर चंद्रमा पर उतरने के बाद कितनी दूरी तक चल सकता है? रोवर चंद्रमा पर उतरने की जगह से 500 मीटर की दूरी तक चल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कीजिए एंड फैमिली में भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मिशन चंद्रयान 2 के बारे में यह महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सके। धन्यवाद।